तो स्टारबक्स में जो अगर बात करेंगे डीपली, अगर आप जॉब के लिए अगर जाते हो तो पहला जो है उनका जो होता है बरिस्ता होता है। बरिस्ता के बाद होता है शिफ्ट सुपरवाइजर, और शिफ्ट सुपरवाइजर के बाद होता है एएसएम, और एएसएम के बाद होता है स्टोर मैनेजर। तो आपको अभी हम बरिस्ता पे बात करेंगे, उसके बाद दोनों वन बाय वन उसके पीछे हम जा करके बातचीत करेंगे। तो बरिस्ता क्या होता है? बरिस्ता उनका एक बहुत पहली जो है पोजीशन है जिसको जिसको बरिस्ता बोलते हैं। बरिस्ता में जो स्टाफ को जो है कॉफ़ी बनाता है, और उसके बाद जो है कि बिल पंचिंग होती है, कस्टमर सर्विस उनका होता है। तो आप आ जाते हैं बरिस्ता में, अगर आपने इंडिया में अगर आप आते हो तो 10+2 का आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और मेनली होता है अगर आप गल्फ में जाते हो या इंडिया में ही काम करते हो या कहीं पे भी A to Z कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल देन इजली यू कैन गेट अ जॉब, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो आपको अब जैसे ये हो गया, आपको पर्सनली आपके पास आपके बारे में पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन हो गया। आप उसको इजी समझा लीजिए, फिर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए उनको, और आप उनके बाद जो है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए। अगर आपके पास अगर आप स्टारबक्स में जाते हो, अगर आपको आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोई भी कॉफी शॉप का, कोई भी हॉस्पिटैलिटी का, कोई भी फूड एंड बेवरेज का, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा जो आपको उनको इंटरव्यू को क्रॉस करने के लिए, और वो आपको आपके फ्यूचर को जो है कि बहुत इजी जो है स्मूथली जो है ऑपरेशन में काम करने का। तो आपका जो अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो आपके ही फिर आप अगर अपना एक्सपीरियंस बताते हो तो आपको उसमें से ही सवाल पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कॉफ़ी का नॉलेज है तो कॉफ़ी के बारे में पूछा जाएगा।